भी कह रहे कि हमसे गलती हुई है। देख के बता दो, चल रही है चल रही है। ऐसे इंटरव्यू है फुल स्टार्ट करूंगा, दे दे मैं रूम तो मैं दे दूंगा। मैं दो पांच चीज चालू तो है ही, पर मैं वन वॉचिंग टू वॉचिंग दिखा रहा हूं बस। चालू तो चालू करना, तो वहां चालू करूंगा तो यही ना तो दे दूंगा तू कर जाओ। ज्वाइन हो जाइए स्टूडेंट्स, बीच में क्लास थोड़ी बंद हो गई थी तो ये अभी हमने दोबारा से क्लास को स्टार्ट किया है। जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, हमारी थोड़ा बहुत पोर्शन बचा हुआ है आज की क्लास का। जल्दी से ज्वाइन हो जाएं सभी। हम कैलोरीमेट्री के प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पर क्वेश्चन कर रहे थे, तो हमने प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री के ऊपर जो क्वेश्चन में करा रहा था वो ये था कि हमने आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर के साथ मिक्स किया है 60 डिग्री सेल्सियस पे, और दोनों का वेट 10 ग्राम है। तो हमने इसे इसमें फाइनल मिक्सचर का टेम्परेचर पूछा था, टी मिक्सचर या टी फाइनल। तो हमारे पास में जो मिक्सचर है वो सबसे पहले आइस है, वाटर वो हमें पता करना था। तो हमने बोला था कि जो मिक्सचर होगा वो वाटर होगा, और फिर अब हम फाइनल मिक्सचर की बात कर रहे थे तो हमने बोला था कि हमें फाइनल टेम्परेचर एज्यूम करना होगा, और वो एज्यूम जो करेंगे हम 0 डिग्री सेल्सियस करेंगे। अब हम उसको कैसे फाइंड करेंगे कि ये 0 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो सही है भी या नहीं है। तो उसमें अब हम हमने बोला था कि 0 डिग्री सेल्सियस जो हमने एज्यूम किया उसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हीट की वैल्यू निकालेंगे, देखते हैं हम सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन ये है कि 10 ग्राम आइस है एट 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो हमारे पास हमने बोला कि जो है फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, और आइस जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करेगी जो वाटर रिलीज कर रहा है ना। तो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी 0 डिग्री सेल्सियस पे, हीट को एब्जॉर्ब करती, और जो वाटर 60 डिग्री सेल्सियस पर है वो कन्वर्ट हो जाएगा इसमें 0 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो अब अगर हम देखें तो सबसे पहले हम ये वैल्यू फाइंड करेंगे कि जब 10 ग्राम वाटर 60 डिग्री सेल्सियस पे चेंज होगी, तो वो जब 10 ग्राम वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे चेंज होगी तो कितनी हीट रिलीज होगी। तो उसको हम निकालेंगे एम एस डेल्टा टी से कैलकुलेट करेंगे, जिसमें मास हो जाएगा 10 ग्राम और वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 इंटू जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 60। तो यहाँ पे 600 कैलोरी जो वाटर है वो हीट क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। अब उसी एनर्जी उसी जो हीट है उसको आइस एब्जॉर्ब करेगी। तो जब 10 ग्राम आइस को हम 10 ग्राम वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे पूरी आइस को वाटर में 10 ग्राम को, तो कितनी हीट रिक्वायर होगी वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वो होगी MLT इक्वल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो मास हो जाएगा 10 ग्राम इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, कितनी 880 हो जाएगी। तो 80 × 10 कितना हो जाएगा 800 कैलोरी। मतलब कि 10 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए, पूरी मेल्ट करने के लिए हमें कितनी हीट की रिक्वायर है, कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, 800 कैलोरी। जबकि हमारे पास अवेलेबल हीट जो वाटर से हमें मिली है वो कितनी है, 600 कैलोरी। तो जो 200 कैलोरी हीट है वो हमारे पास कम पड़ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि उस 200 कैलोरी हीट कम होने की वजह से पूरी की पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो पाई थी, तो कुछ आइस जो है वो मतलब उसमें रही थी। तो फाइनल मिक्सचर जो होगा उसमें हमारे पास में वाटर तो होगा ही मैक्सिमम, पर थोड़ी बहुत आइस भी बची थी। तो हमें अब वो वेट पूछा जा सकता है कि फाइनल मिक्सचर में वाटर का वेट कितना होगा, टोटल वेट, और आइस कितने ग्राम होगी, ये चीज़ इसमें हमें पूछी जा सकती है। तो उसे कैसे निकालेंगे हम,
तो हम बोल रहे हैं कि आइस ने 600 कैलोरी ऊष्मा जो है हीट एब्जॉर्ब की और उससे कितने ग्राम जो हाइस है वो वाटर में चेंज होगी, वो चीज़ हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास आइस जो है वाटर में कन्वर्ट होती है, ml से निकालेंगे, मास हमारे पास में यहाँ पे अननोन होगा जो कन्वर्ट हो रहा है ना, और हमारे पास एनर्जी अवेलेबल है तो हम उसको निकाल सकते हैं कि यहाँ पे 200 को हम जब ml पे इक्वल करेंगे तो जो जब इसको डिवाइड करेंगे हम 80 से 200 को तो 2.5 ग्राम जो है आंसर आएगा। इसका मतलब 2.5 ग्राम जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट नहीं होगी और जो मतलब आइस में कन्वर्ट जो आइस है वो पूरी वाटर में कन्वर्ट नहीं होगी। कितनी नहीं होगी? 2.5 ग्राम। बाकी जो 7.5 ग्राम आइस है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगी वाटर में। अब इस वैल्यू को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि हम जो 600 कैलोरी के बराबर कर दें इसको ml को और जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है उसकी वैल्यू 80 रखते हैं, मास जो निकल के आएगा वो आएगा 7.5 और वो कौन सी वैल्यू होगी जो वाटर में कन्वर्ट हो चुकी है, वाटर की वैल्यू निकल के आएगी, जो आइस वाटर में कन्वर्ट हुई है वो वैल्यू निकल के आएगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 10 ग्राम, अब वही चीज़, तो यहाँ पे जो हमारे पास में लास्ट में वाटर होगा वो कितना होगा, 10 ग्राम वाटर, तो जो यहाँ से बना 60 डिग्री सेल्सियस वाला वो, और 7.5 ग्राम वाटर यहाँ से आ जाएगा, तो टोटल वाटर जो आएगा वो कितना आएगा 17.5 ग्राम, और फाइनल मिक्सचर में जो आइस आएगी वो कितनी आएगी, 2.5 ग्राम आइस आ जाएगी। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हमारे पास में हमने इस क्वेश्चन को कैसे डील किया, सबसे पहले हमने एक फाइनल मिक्सचर एज्यूम करना होगा कि वाटर होगा या फिर सॉलिड मतलब आइस होगी। तो यहाँ पे हमने एज्यूम किया कि फाइनल मिक्सचर वाटर होगा क्योंकि जो आइस है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे हीट को एब्जॉर्ब कर रही है तो कन्वर्ट होगी वाटर में, तो इस वजह से फाइनल मिक्सचर को वाटर लिया। फिर हम जब इन एज्यूम करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इन टाइप के क्वेश्चन में हम फाइनल मिक्सचर के टेम्परेचर को हम एज्यूम कर लेते हैं कितना, या तो 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे हमने 0 डिग्री सेल्सियस माना क्योंकि यहाँ पे जो वाटर है वो 60 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर ये हीट को रिलीज कर रहा है और यहाँ पे तो रिलीज कर रहा है तो टेम्परेचर कम होगा, मतलब 100 तक तो नहीं पहुंच सकता, तो इसलिए इसको 0 डिग्री सेल्सियस माना। फिर हमने सबसे पहले ये देखा कि हमें कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है आइस को मेल्टिंग करने के लिए, तो हमने देखा कि हमें 800 कैलोरी हीट की रिक्वायरमेंट है, जबकि 60 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर को जब हम 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हीट जो हमें ऑप्टेन हो रही है वो हो रही है केवल 600 कैलोरी, तो 200 कैलोरी जो हीट कम है उसकी वजह से कुछ आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट नहीं हो पाई थी, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो है तो यहाँ पे फिर हम मास यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या तो 200 इज इक्वल टू ml 2.5 ग्राम आएगा जो आइस बची रही थी वो आता है आइस का वेट, या फिर हम 600 के बराबर करेंगे तो 7.5 ग्राम आ जाएगा जो वाटर में कन्वर्ट हो चुका है। तो हमें फाइनल वाटर और फाइनल आइस का वेट यहाँ पे मिल जाएगा, फाइनल वाटर हो जाएगा 10 + 7.5 17.5 ग्राम और आइस जो है वो फाइनल हो जाएगी 2.5 ग्राम। यहाँ से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास में वैल्यू आती है। अब इसमें अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास में इसी टाइप का है, उसको भी हम सॉल्व करते हैं। कि क्वेश्चन क्या है कि मतलब इसमें क्या बोला है कि हमारे पास में मिक्सचर हमने बनाया पहले की तरह, मिक्सचर किसका है कि 0 डिग्री सेल्सियस 10 ग्राम आइस को हमने मिक्स किया 1 ग्राम स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस के साथ में, है ना। यहाँ पे आइस को स्टीम के साथ में मिक्स किया, पिछले क्वेश्चन में हमने आइस को वाटर के साथ में मिक्स किया था, अब हमने स्टीम को आइस के साथ में मिक्स किया है और फाइनल मिक्सचर कंटेंट एंड टेम्परेचर की, फाइनल मिक्सचर वाटर होगा आइस होगा स्टीम होगा क्या होगा या आइस प्लस वाटर होगा, ये फाइनल मिक्सचर पूछा है सबसे पहले और फिर फाइनल मिक्सचर का टेम्परेचर पूछा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एज्यूम, तो कैसे करेंगे कि 10 ग्राम आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पर है, मिक्स किया था इसके साथ 1 ग्राम स्टीम के साथ में, ठीक है, और स्टीम का जो है वो है 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो स्टीम जो है वो यहाँ पे रिलीज करेगी तो इसको हीट को, और आइस जो है वो हीट को क्या करेगी एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। तो अब ये स्टीम जो है वो कन्वर्ट हो सकती है तो इसमें वाटर में, तो जो फाइनल मिक्सचर होगा वो क्या होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फाइनल मिक्सचर का टेम्परेचर हम एज्यूम कर लेंगे 100 डिग्री सेल्सियस और उसके हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे और फिर फाइनल देखेंगे कि हमारे पास वाटर का वेट कितना है
है ना, आइस का वेट कितना है या स्टीम भी बचती है कि नहीं बचती है, उसको फिर पूरा सॉल्व करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन तो फाइंड करेंगे, जो सही ऑप्शन होगा उसको हम यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, देख हमने मान लिया कि जो फाइनल टेम्परेचर है वो कितना माना है हमने, 0 डिग्री सेल्सियस मान लिया पिछले क्वेश्चन की तरह, है ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अब 10 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस हीट को एब्जॉर्ब करके 10 ग्राम वाटर 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पे जो मतलब हीट की रिक्वायरमेंट होती वो कितनी होती, वो फाइंड कर लेंगे ML से, तो 800 कैलोरी हीट चाहिए पिछले क्वेश्चन की तरह। अब स्टीम जो कन्वर्ट होती 0 डिग्री सेल्सियस में तो कितनी हीट रिलीज करेगी वो भी फाइंड कर लेते हैं। तो वो कैसे आएगी, सबसे पहले स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस और फिर उसको 0 डिग्री सेल्सियस पे लेते जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा QG = ML से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 × 540 540 कैलोरी हीट रिलीज होगी फर्स्ट स्टेप में, और सेकेंड में जो होगी MS ΔT, तो मास 1 × S 1 × ΔT 100 तो 100 कैलोरी। तो टोटल जो हीट रिलीज हो रही है वो कितनी है, 640 कैलोरी, 640 कैलोरी ऊष्मा जो है वो रिलीज हो रही है यहाँ से, और रिक्वायरमेंट कितनी थी है 800 कैलोरी थी। तो जो एनर्जी जो बची वो 160 कैलोरी है, मतलब जो 160 कैलोरी जो हीट है वो यहाँ पे हमारे पास में एक्स्ट्रा, मतलब हमें रिक्वायरमेंट है जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, हीट कम है तो पूरी की पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो पाई थी, तो लास्ट में हमारे पास में आइस भी बची थी और क्या बचेगा, वाटर। ये हम यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो हमारे पास में हम ऑप्शन को यहीं से एलिमिनेट कर सकते हैं कि हाँ हमारे पास फाइनल जो मिक्सचर होगा उसमें आइस प्लस वाटर होगा, और आइस प्लस वाटर वाला क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो केवल एक ही ऑप्शन थर्ड। तो हम यहाँ पे फिर बिना पूरा क्वेश्चन सॉल्व करे भी आंसर फाइंड कर सकते हैं कि हमें कौन सा मिक्सचर होगा, आइस प्लस वाटर होगा। और अगर पूरा सॉल्व करना चाहें तो हम यहाँ पे वेट भी पूछे तो वेट भी बता सकते हैं कि हाँ भाई जो अब टू मतलब जो 160 कैलोरी हीट है उस हीट से जो है वाटर पूरा कन्वर्ट नहीं हो पाएगी आइस वाटर में, तो कितनी बचेगी, उसके लिए ML = 160 कर देंगे और LP value 80 रखेंगे, तो हमारे पास में यहाँ पे 2 ग्राम जो आइस है वो वैल्यू निकल के आई थी। इसका मतलब 2 ग्राम आइस जो है वो रिमेन्स रही थी लास्ट में फाइनल मिक्सचर में, है ना, और बाकी जो 8 ग्राम आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, और इधर जो वाटर है वो अपने पास नहीं है जो सेव है पहले से, तो यहाँ पे टोटल वाटर आ जाएगा 8 ग्राम आइस, मतलब 2 ग्राम आइस लास्ट में और 8 ग्राम प्लस 1 ग्राम वाटर यानी 9 ग्राम वाटर एंड 2 ग्राम आइस हमारे पास निकल के आएगा, और फाइनल मिक्सचर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस आएगा। ये अपने पास में वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे हम ये क्वेश्चन हमने देख लिया है, इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लें एक बार। अब हम इसी में एक और क्वेश्चन करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री के ऊपर ही एक और अच्छा क्वेश्चन है, उसको अगर हम देखें तो उसमें क्या है कि यहाँ पे अपने पास में क्या है कि स्टीम है जो 100 डिग्री सेल्सियस पे है, उसको हम मिक्सर बना रहे हैं, मतलब यहाँ पे भी ऐड कर रहे हैं वाटर के साथ, 16 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर के साथ में हम मतलब मिक्स करेंगे आइस को, और 1400 ग्राम आइस है अपने पास, और टेम्परेचर ऑफ वाटर इज रेज टू 80 डिग्री सेल्सियस, मतलब फाइनल जो टेम्परेचर है वो कितना का देना है हमें, 80 डिग्री सेल्सियस फाइनल टेम्परेचर बनना है यहाँ पे, मतलब हमें यहाँ पे मिक्सचर का टेम्परेचर पहले से ही देना है 80 डिग्री सेल्सियस होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस थी, उसको मिक्स किया हमने किसके साथ, वाटर के साथ जो 16 डिग्री सेल्सियस पे, फाइनल वाटर जो है उसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है। द मास ऑफ स्टीम रिक्वायर्ड टू डू दिस, तो इनिशियल मास कितना चाहिए स्टीम का, वो चीज़ चाहिए। तो बस ये क्वेश्चन जो है वो हीट एब्जॉर्ब और हीट रिलीज वाला ही है, बस हमें अब स्टीम है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो जो और फाइनल मिक्सचर का टेम्परेचर 80 है, तो जो फाइनल मिक्सचर का टेम्परेचर है वो क्या है, तो हमें स्टीम के टेम्परेचर से मतलब ये हीट को रिलीज कर रही है, तो जो स्टीम हीट रिलीज करी थी उसको बराबर कर देंगे वाटर के द्वारा जो हीट एब्जॉर्ब होगी उससे, है ना, और दोनों का फाइनल टेम्परेचर हमें पता है, बस हमें स्टीम
का और वाटर का फाइनल टेम्परेचर बताया, हमें वेट निकालना है। तो एम एस डेल्टा टी को हम यहाँ पे इक्वल करके निकाल सकते हैं। पर हमें यहाँ पे एक और चीज़ है कि स्टीम को किसमें कन्वर्ट करना होगा, पहले वाटर में, फिर उसके बाद में हमें जो है वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस पे लाना है। तो कैसे करेंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम को पहले हम कन्वर्ट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पे, फिर 100 डिग्री सेल्सियस वाटर को हम लेके आएंगे इस पर 80 डिग्री सेल्सियस वाटर पे, और यहाँ पे 16 डिग्री सेल्सियस वाटर जो 1400 ग्राम है उसको 80 डिग्री सेल्सियस पे लाना है, और उससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमें 1400 ग्राम वाटर को कन्वर्ट करना है 80 डिग्री सेल्सियस पे, तो एनर्जी कितनी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चाहिए, रिक्वायर हीट कितनी होगी। तो एम एस डेल्टा टी मास हो गया 1400 और हीट कैपेसिटी 1 इंटू जो है यहाँ पे डेल्टा टी 64 हो जाएगा, 80 माइनस 16 तो 64, तो ये आता है हमारे पास 89600। जब इसको हम सॉल्व करेंगे अच्छे से तो ये वैल्यू निकल के आएगी। और अब हमारे पास स्टीम है जो इनिशियल मास हमें पता नहीं है, अननोन है, और वो वैल्यू हमें निकालनी है। तो उस अननोन वैल्यू को हमने एम नाम दे दिया, एम ग्राम स्टीम है 100 डिग्री सेल्सियस पे, और उसको भी हमें 80 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले वाटर लेंगे हम 100 डिग्री सेल्सियस पे, है ना, और उसके लिए रिक्वायर्ड हीट होगी एम एल, एम इंटू 540 एम कैलोरी, और फिर उस वाटर को हम करेंगे 80 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट एम एस डेल्टा टी से। तो एम इंटू में एस इंटू में डेल्टा टी यानी 20, तो ये हो जाएगा 20 एम। तो टोटल जो हीट यहाँ पे रिलीज होती है वो कितनी होती है, 560 एम कैलोरी, 560 एम कैलोरी हीट यहाँ पे रिलीज होगी, और जो हीट रिक्वायर होती वो होती 89600 वाटर को वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। तो हमारे पास अब हम देख सकते हैं कि फाइनल मिक्सचर जो होगा उसका जो टेम्परेचर है वो 80 डिग्री सेल्सियस है, वाटर ने हीट कितनी रिक्वायर है वाटर को 89600 कैलोरी, और जो स्टीम ने हीट जो रिलीज थी वो कितनी थी 560 एम, दोनों की हीट को इक्वल कर देंगे, आंसर आ जाएगा अपने पास में। इसलिए ये अपने पास कि यहाँ पे 560 एम इज इक्वल टू कर दें 89600, और 560 से डिवाइड करेंगे 89600 को, तो वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी सॉल्व करने पर 160 ग्राम। तो हम देख सकते हैं कि जो इस शुरू में स्टीम हम लेनी पड़ी थी हमें वाटर को टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए वाटर का, वो होगी 160 ग्राम यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट होगी किसकी, हीट की, मतलब मास यहाँ पे 160 ग्राम हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो इसमें हम देख सकते हैं, अगर समझ में आ गया हो तो बता दें। तो हम यहाँ पे ये प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें हीट रिलीज को हमें किसके बराबर करना होता है, हीट एब्जॉर्ब से। एक बॉडी हीट को रिलीज करेगी तो दूसरी बॉडी हीट को एब्जॉर्ब करेगी, और दोनों की हीट को बराबर करके मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे पास में यहाँ पे वैल्यू आती है हमेशा। ऑप्शन थ्री कौन है, उसको भी हम कैलोरीमेट्री में भी कंप्लीट करेंगे, जिससे अपनी ये कैलोरीमेट्री जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद। तो कभी कभार हमसे गीजर के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, गीजर जो होता है उसके मैकेनिज्म के ऊपर। तो अगर हम सबसे पहले गीजर की मैकेनिज्म को थोड़ा समझें, तो हमें जैसा पता है गीजर जो है वो क्या करता है, पानी को गर्म करता है, मतलब जब हम इसमें ठंडा पानी ऐड करेंगे तो पानी को ये गर्म करके लेता है। मतलब क्या है कि एक हमने कम टेम्परेचर पर वाटर को इसमें डाला तो वो टेम्परेचर को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो टी इन और टी आउट दो वैल्यू आएंगी, टी इन जो होगा वो टेम्परेचर कम है और टी आउट जो है वो टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा है। अब वाटर के टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए हीट कहीं ना कहीं से सप्लाई हुई होगी, अब वो हीट कहाँ से आई है, इलेक्ट्रिसिटी से, भाई बिजली से चलाना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी से हीट यहाँ पे मिलती है गीजर को, और उस हीट का यूज करके जो है
गीजर जो है वो वाटर के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है और पानी को गर्म कर देता है। अब हमसे यही इसी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो किसमें आती है? वाट में, हमेशा हमसे वाट में दी जाती है और उसको हमें कन्वर्ट करना होता है किसमें? कैलोरी में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि वाट जो यूनिट है वो जूल पर सेकंड है, एक सेकंड के हिसाब से यहाँ पे वैल्यू होती है हमेशा। और तो हमें हमेशा क्वेश्चन पे वाट में दी जाती है एनर्जी, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, पावर दी जाएगी या फिर जो सप्लाइड इलेक्ट्रिसिटी ऐसे दी जाती है वाट में, तो वो होती है जूल पर सेकंड। वाट मतलब जूल पर सेकंड, एक सेकंड पे ही निकालते हैं हमेशा उसको। तो एक सेकंड में कितना गर्म करेगा ये वही चीज़ हमेशा कैलकुलेट होगी। टाइम तो अगर ज़्यादा करेगा तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है टाइम से। तो उसी के ऊपर अब हम एक क्वेश्चन करते हैं और ज़्यादा टीजर को थोड़ा समझते हैं। तो इसमें इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या बोला है कि हमारे पास एक इंस्टेंट टीजर है जो कंटिन्यूस फ्लो कर रहा है और उसकी जो एनर्जी मतलब जो उसकी पावर है वो कितनी है? 4200 वाट है, 4200 वाट जो उसकी मतलब क्या है पावर दी है हमें। इसका मतलब क्या है? पावर का जूल पर सेकंड मतलब कि वो एक सेकंड में कितनी मतलब एनर्जी या हीट ले रहा है। तो हम बोल सकते हैं 4200 जूल की एनर्जी वो ले रहा है इलेक्ट्रिसिटी से, है ना, इलेक्ट्रिसिटी से के रूप में वो कितनी हीट ले रहा है, कितनी मतलब एनर्जी ले रहा है एक सेकंड में? 4200 जूल, ठीक है। और हैज वाटर इनलेट टेम्परेचर, अब उसका जो वाटर इनलेट टेम्परेचर यानी टी इन कितना दिया हमें? 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब इस गीजर के अंदर जो वाटर है वो 10 डिग्री सेल्सियस पे एंटर हो रहा है व्हाइल द वाटर फ्लोज आउट एट द रेट ऑफ 100 ग्राम पर सेकेंड। और जो वाटर बाहर जा रहा है गीजर से उसकी फ्लो की रेट क्या है? 100 ग्राम पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 100 ग्राम वाटर जो है वो गीजर से गर्म होते बाहर जा रहा है। एक सेकेंड में कितना? 100 ग्राम वाटर, और एक सेकेंड में गीजर कितनी हीट ले रहा है? 4200 जूल। और कितने ग्राम वाटर को ये गर्म कर रहा है? तो हम बात कर रहे हैं कितने को ये गर्म करके दे रहा है हमें? केवल 100 ग्राम। तो ये चीज़ हमें पता चल गई। द आउटलेट टेम्परेचर अब हमसे पूछा है, मतलब जो टी आउट है वो हमसे पूछा है। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि एक सेकेंड के हिसाब से वैल्यू कैलकुलेट होंगी सारी, इतना तो समझ में आ रहा है। तो एक सेकेंड में कितने पानी को गर्म कर रहा है? 100 ग्राम को। कितनी एनर्जी का यूज़ कर रहा है उसमें? 4200 जूल एनर्जी का यूज़ कर रहा है, तो हमें हीट मिल गई। एम एस डेल्टा टी के बराबर हीट को कर देना है हमें। टेम्परेचर डिफरेंस फाउंड करना है, इनिशियल टेम्परेचर पता है, फाइनल निकालना है। एस हमें वाटर का पता है, मास हमें पता चल ही गया 100 ग्राम को कर रहा है एक सेकंड में, हीट हमें पता चल गई 4200 जूल, उस 4200 जूल को हमें कैलोरी में कन्वर्ट करके आंसर फाइंड करना है। नहीं, क्वेश्चन लोगों के पीछे नहीं है, क्वेश्चन उतना ही है डायग्राम का बस। अनुष्का तिवारी बोल रही है कि जो क्वेश्चन है वो लोगों के पीछे छुप गया है, जबकि मैं स्क्रीन में देख पा रहा हूँ कि क्वेश्चन पूरा ही है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को ऊपर ही रखा है, नीचे नहीं लिया है, जिससे वो लोगों के पीछे ना आए। तो अगर हम अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करते हैं टीजर प्रॉब्लम पे, फिर आप इसकी और प्रैक्टिस करना। तो जैसा हमने बोला कि गीजर में हमने जो मतलब इनलेट टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, 100 ग्राम वाटर को पर सेकंड वो गर्म करके बाहर दे रहा है, हीट ले रहा है एक सेकंड में।